प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहाँ जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। अभी हाल ही में कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहाँ जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहाँ गया आपका सबका साथ? कहाँ गया आपका सबका विकास? और कहाँ गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। मुझे इस बात पे बहुत निराशा है क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, वो जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इज्जत के लायक न रहे तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि मोहन भागवत जी भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? इस बयान के बाद क्या वो चुप रहेंगे? हम आरएसएस का विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि आरएसएस ने ये बातें मोदी जी को सिखाई नहीं होंगी। ये आरएसएस की भी संस्कृति नहीं है, वो चुपचाप जो मर्जी करें। उस दिन इनफैक्ट मोहन भागवत जी ने भाषण दिया जिसने उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इनके परिवार ने भी ऐसी संस्कृति इनको दी नहीं होगी, तो ये कहां से आई? मोदी जी क्या देश से अलग हो गए, ऊपर हो गए? बात करते हैं संपत्ति की। जो संपत्ति 1% लोगों के पास है आज के दिन,
40% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है। और आप भाषण दे रहे हो कि महिलाओं के जेवर, महिलाओं के गहने, वो संपत्ति कांग्रेस पार्टी विस्कोटियों को देगी, टेररिस्ट को देगी। क्या 20 करोड़ लोग इस देश के मायना नहीं रखते? उनकी आकांक्षाएं नहीं हैं? ये तो मैं समझता हूं कि इतनी गिरावट राजनीति में आ जाए, ना तो इतिहास में कभी हुआ है हिंदुस्तान के, और ना मैं चाहता हूं हो। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, वो ये है चुनाव आयोग से, कि आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए, चैनल्स को आदेश देना चाहिए कि यह भाषण दोहराया ना जाए, आपको पीनल कोड की धारा 153A में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ना भूल जाए कि उसने संविधान की शपथ ली है, और इस अगर शपथ का वो उल्लंघन करेंगे और भेदभाव के साथ ऐसे भाषणों का साथ देंगे तो ये ना तो चुनाव आयोग के लिए ना देश के लिए ठीक होगा। मैं नहीं जानता कि ऐसी असत्य बातें प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। जो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा वो भी असत्य है। कांग्रेस पार्टी की, खासतौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कभी भी ये मंशा नहीं रही कि देश की संपत्ति किसी एक वर्ग को जाए, एक संपदा को जाए। कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हमेशा ये नीति रही कि जो वंचित लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और वंचित लोग, माइनॉरिटीज हैं, उनका उत्थान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमीर लोग तो अपने देखभाल कर सकते हैं लेकिन उनकी देखभाल प्रशासन ही कर सकता है, शासन ही कर सकता है, देश ही कर सकता है। और ये सही भी है। और ऐसे भड़काऊ भाषणों के देने के बाद अगर आप नफरत फैलाएंगे तो इसका मतलब है कि आप भूल गए हो सबका साथ, आप भूल गए वो सबका विकास। विश्वास तो खैर किसी का अब है भी नहीं आप पे।